करेंगे उत्तर प्रदेश के खास पर्यटन की। चंदौली में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बढ़ती अपराध से परेशान जनता अब खुद सड़कों पर इंसाफ करती दिखाई दे रही है। इस दौरान लोग कानून को भी अपने हाथों में लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे एक नजारा संयुक्त जिला अस्पताल के पास देखने को मिला, जहां लोगों ने साइकिल चुराते हुए चोर को रंगे हाथ पकड़कर तालिबानी सजा दी। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मूक दर्शक बने देख रही। तो वीडियो आपके सामने है, जहां लगातार अपराध तो बढ़ रहा है, लेकिन लोग भी कानून को अपने हाथों में लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। फरुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र में तीन बाइक सवार बदमाश लूट के इरादे से साफा कारोबारी के घर पर चल रही दुकान में ग्राहक बनकर पहुंचे। वही बदमाशों ने तमंचे के बल पर कारोबारी को डराने की कोशिश की। इसी बीच कारोबारी के कर्मचारी ने छत पर जाकर चीख पुकार मचा दी, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। वही भीड़ देखकर बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे। इसी के साथ मौके पर पहुंची पुलिस घटना के बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाल कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो तमंचे के बल पर लूट की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर चीख पुकार मचाने से आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची है, आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। फतेहपुर में बेंटी के चुचराई इलाके में जमीनी विवाद के चलते दबंग परिजनों ने महिला से जमकर मारपीट की है। वही पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत थाने में कर दी। महिला ने परिजनों पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जमीनी विवाद के चलते एक महिला से दबंगों ने मारपिटाई की है, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल है। मारपिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। फरुखाबाद के अंगूरी बाग कोतवाली क्षेत्र में सुबह घर से टहलने निकले लोगों ने नवजात का शव पड़ा हुआ दिखा। नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने नवजात के शव को दफनाया। वहीं पुलिस ने नवजात का शव मिलने की खबर से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। फरुखाबाद का एक पूरा मामला है, जहां पर नवजात का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने शव को देखा तो खुद ही दफन कर दिया, लेकिन क्षेत्रीय पुलिस का सूचना की जानकारी से इनकार कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बुलंदशहर में पुलिस कांस्टेबल की ओर से अभद्र व्यवहार करने पर जिला अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टर्स ने नगर कोतवाली के कांस्टेबल पर जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के दौरान अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इसके चलते डॉक्टर्स ने ओपीडी छोड़कर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। डॉक्टर्स ने नगर कोतवाल से माफी मांगी और कांस्टेबल पर गंभीर कार्रवाई करने की मांग की है। इसी के साथ डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। तो हड़ताल पर चिकित्सक बने रहे हैं, कांस्टेबल पर अभद्रता का आरोप भी यहां पर लगाया गया है। और बाकी
पीलीभीत में बिजली विभाग के जे जहांगीर आलम और लाइन मैन ज्ञानेन्द्र कश्यप पर शहर के मोहल्ले में बिजली के पोल खड़े कर लाइन डलवाने के नाम पर 30,000 रूपए की ठगी का आरोप लगा है। मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने पर जो ई मौके से पोल उखाड़ने के लिए गए तो स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद जो ई मौके से दबे पांव भाग निकले। तो बिजली विभाग के कर्मचारियों पर ठगी का आरोप स्थानीय लोगों ने यहाँ पर लगाया है। इस गली में लाइट भी बहुत ही ज्यादा बच्चों में लाइट थी, तो इसके हिसाब से हमने जाके बात की, हिसाब से 50,000 रूपए हमसे मांगे, मगर इससे पैसे नहीं होने के कारण कई बार जितने ₹30,000 जमीन खर्च किए, ₹30,000 के हिसाब से दिए। अब उन्होंने पुराने कमरे कहीं से ला के आज करवाए थे, करवाने के बाद भी उन्होंने कुछ ऐसा कारण हो गया जो कमरे उखड़वाने लगे। तभी मौके पर हम आगे तो हमने उनसे जवाब दिया, हमने ऐसा हमने ₹30,000 की लाइट दे दिए, आप हमें क्यों ले जा रहे हैं? तो बोले हमें आगे नहीं, हमें आगे नहीं, तो आप कमरे आप क्यों लाए? तो गए हुए कमरे हमने वापस नहीं जाने के कमरे रोक दिए और हमारे ₹30,000 गए। यही साहब यहाँ पर अगर आके हमसे बात करते तो हमारे ₹30,000 वापस कर दे और अपने कमरे ले जा रहा हूँ। आप पैसे लीजिए कि तुम्हारे मतलब कमरे का गार्ड देंगे और पैसे के मतलब पहले थोड़े 50,000 फिर कई मतलब 30,000 सुल्तानपुर में गैर समुदाय की तरफ से हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी से मारपीट के मामले में हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी जिला उपाध्यक्ष गौरव पांडे के नेतृत्व में एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी से मिलकर ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पूरा मामला कुंडवार इलाके के रनकीडीही गांव का है, जहां के रहने वाले राजेंद्र वर्मा हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हैं और उनके गांव में गैर समुदाय के लोग पिछले 6 महीने से उन्हें परेशान कर रहे हैं, जिसको लेकर आज हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने एसपी ऑफिस में एसपी से मिलकर ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। तो हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी एसपी ऑफिस पहुंचे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। राजेंद्र वर्मा जी हिंदू युवा वाहिनी कुंवार ब्लॉक के घर के सरपंच कार्यकर्ता है और विगत 6 महीनों से उनके साथ जिस प्रकार से मुसलमानों द्वारा बर्बरता की जा रही है, 70% आबादी वहां पर मुस्लिम की है और उनके साथ उनके घर में घुसकर 11-12 मुसलमान उनको 2 बार से मर रहे हैं और वहां का स्थानीय प्रशासन इसमें पूरी तरीके से संलिप्त है और उसमें सुरक्षा दी जाए मुसलमानों को, इसीलिए इस प्रकार की घटना हो रही है। जब प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होगी। उसी संदर्भ में आज हमने जिले के पुलिस अधीक्षक श्रीमान विपिन मिश्रा जी से मिलकर और संगठन की तरफ से और हिंदू वाहिनी के प्रत्येक कार्यकर्ता की तरफ से श्री राजेंद्र वर्मा जी का पक्ष आज हमने रखा था और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमें न्याय के लिए आश्वस्त किया। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और इसके पिछले दिनों में जिस प्रकार से हिंदू वाहिनी के प्रतिनिधि सदस्य जिला पंचायत और जिला उपाध्यक्ष प्राजो सिंह के साथ घटना घटित हुई है, उसके संदर्भ और उसके परिप्रेक्ष्य में हमने प्रधान साहब के सामने अपनी बात को रखा है, उस पर भी विवेचना कम्प्लीट हो गई थी। दोबारा विवेचना के लिए हमने मांग की थी, उसको भी कप्तान साहब ने मान लिया है। अब थाने पूरे वन थाना के अंतर्गत कोई भी ऐसा रैंक अधिकारी उस पूरे प्रखंड की जांच करेगा। हरदोई में शहर के सर्कुलर रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में स्कूल के पास पिकअप और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि वाहन सवारों में किसी को कोई चोट नहीं लगी है। तो हरदोई का एक पूरा मामला है जहां पर पिकअप और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मथुरा में थाना राय क्षेत्र में दूल्हे को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना भारी पड़ गया है। बारात में कम बाराती लाने पर दुल्हन के चाचा ने शादी से ही इनकार कर दिया। वहीं ग्रामीणों के समझाने के बाद भी लड़की के परिजन नहीं माने और दुल्हन की शादी किसी और से करा दी। वहीं दूल्हे की भी दूसरी लड़की से शादी करवा दी गई है। ये अनोखा मामला मथुरा से सामने आया है, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो किया गया उसके बाद भी दूल्हे को यह अनोखी सजा मिली है। मथुरा में महिलाओं ने मानव सेवा संघ के आश्रम पर महिलाओं को प्रवेश न दिए जाने के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। लामबंद महिलाओं का आरोप है कि वो काफी लंबे समय से मानव सेवा संघ वृंदावन स्थित आश्रम में रह रही हैं और आश्रम के संचालक की तरफ से उन्हें आश्रम में अब आने नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि आश्रम के बारे में लगातार प्रशासन अधिकारियों को सूचना दिए जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वही महिलाओं ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। मथुरा का एक पूरा मामला है जहां पर महिलाओं ने जिलाधिकारी से न्याय मांगा है। महिलाओं को आश्रम में प्रवेश नहीं मिल रहा है, जिससे यहां पर महिलाएं काफी ज्यादा प्रताड़ित नजर आ रही हैं, साथ ही साथ वो धरने पर बैठी हुई हैं।
मथुरा में श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में गुरु पूर्णिमा पर्व के मौके पर वृंदावन में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एसडीएम सदर आईएएस प्रशांत कुमार दादर, एसपी सिटी मार्टिन प्रकाश सिंह, सीओ सदर गौरव त्रिपाठी, सीओ एनपी सिंह की ओर से वृंदावन कोतवाली में बैठक कर व्यवस्थाओं को लेकर मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा पर्व को लेकर ये सारी तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। मथुरा में ऐसा किया गया, बैठक में व्यवस्थाओं को लेकर मंथन भी किया गया है। अमेठी के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री कुवास सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। 1995 में नव निर्वाचित प्रधान की हत्या के मामले में पूर्व मंत्री समेत चार लोगों को सजा सुनाई गई। वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि अमेठी के जामो ब्लॉक 1995 में इसी गांव के नव निर्वाचित ग्राम प्रधान राम प्रकाश यादव की गोली मारकर हत्या हो गई थी। आरोप था कि पूर्व मंत्री जग बहादुर सिंह ने गांव के ही रघुनाथ महाराज को विधानिक का चुनाव लड़वाया था। रघुनाथ महाराज के चुनाव हारने पर जग बहादुर सिंह और उनके बेटे ने सारिश नव निर्वाचित प्रधान राम प्रकाश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके सालों बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जो की बीजेपी के नेता रहे हैं। पूर्व मंत्री समेत चार लोगों को ये सजा सुनाई गई। पूर्व मंत्री के जन बहादुर सिंह के प्रत्याशी रघुनाथ महाराज चुनाव हार गए। इसी अपमान का बदला लेने के लिए जन बहादुर सिंह और उनके बेटे दत्तन सिंह, समर बहादुर सिंह, राम बहादुर सिंह और रमेश सचिन सर के गोली मार कर हत्या कर दी, जिसका ट्रायल चला। ट्रायल की बात दो गवाह हुए, इन दोनों को आज सड़क इसकी हत्या हुई थी। राम प्रकाश यादव नव निर्वाचित ग्राम प्रधान पूर्व द्वारा कोई बली भी है इसमें, उसमें कोई बली नहीं हुआ। एक अभियुक्त दौरान बरेली में ब्लॉक सचिव विकास खरे ने अपनी कार में बैठकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर 3800 की रिश्वत ली है, जिसके बाद मामले का वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बरेली का ये पूरा मामला है, जहां सचिव की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई है। अभी देखना है कि ब्लॉक सचिव विकास खरे की इस वायरल वीडियो पर क्या कार्रवाई की जाती है। बिजनौर में एसपी डॉक्टर धर्मेश सिंह के निर्देश पर जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है।
पुलिस चेकिंग कर रही थी कि इसी दौरान दो साथियों चोर अतुल और सूरज को पुलिस ने झाड़ू मार काली के मंदिर चौराहे से पकड़ लिया। वही पुलिस ने इनके पास से काफी चीजें भी बरामद की है। तो पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों साथी चोर अपने पास मास्टर चाबी रखा करते थे, जिससे चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और मुख्य विकास अधिकारी सौम्य पांडे ने आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले में स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य था कि मत पत्रों की गिनती के लिहाज यहां का चयन कितना सही रहेगा। इसलिए जिला खेल अधिकारी प्रदीप कुमार चौहान को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। वह इस मौके पर तमाम अधिकारी और कर्मचारी भी उनके साथ मौजूद रहे। बरेली फरीदपुर थाना क्षेत्र में आईसीएल कंपनी की तरफ से बरेली सीतापुर मार्ग का निर्माण कार्य किया जा रहा है। कंपनी को कई बार सरिया चोरी होने की शिकायत मिली है, जिसके चलते कंपनी के मैनेजर ने थाना फरीदपुर में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने सरिया चोर करने वाले गैंग के 10 अभियुक्तों को लगभग 24 क्विंटल से ज्यादा सरिये के साथ मौके से गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एटा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोरोना को लेकर बड़ा बयान दिया। राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने कहा है कि जब तक कोरोना खत्म नहीं होता तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। इसी के साथ ही राज्य मंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोरोना से लड़ने के प्रयासों को लेकर जमकर तारीफ की है। तो एटा में यूपी के मंत्री पहुंचे और कोरोना को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी शपथ ली थी है। उनका कहना है कि जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। वहीं यहां पर योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ की गई है। उनका कहना है कि कोरोना काल में योगी सरकार ने बहुत सही तरीके से सारी व्यवस्था देखी है। इतने बड़े क्षेत्र को लेकर लगातार वो नंबर वन पर लेकर आए हैं। तो जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, यूपी के मंत्री एटा पहुंच गए और एक बड़ा बयान दे दिया। हरदोई के शाहबाद कोतवाली इलाके में एक नवविवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। महिला की 2 महीने पहले शादी हुई थी और उसका पति आज ही कोतवाली से बंदूक उठाकर अपने घर लाया था। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं घटना को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी हैं। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। हरदोई का पूरा मामला जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से नवविवाहिता की मौत हो गई है, जिसके बाद आपको बता दें कि महिला का पति जो है वो कोतवाली में जवाब बंदूक घर लेकर पहुंचा था। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सीएम बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले निराश्रित लावारिस बच्चों की सरकार मदद करेगी। ये योजना निराश्रित हुए बच्चों के पालन पोषण, उनकी शिक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिए तैयार की गई है। बाराबंकी जिले में भी इस योजना के लिए 64 अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता और प्रमाण पत्र बाराबंकी के जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह की तरफ से दिए गए हैं। तो बाराबंकी में सीएम बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया। कोरोना में अनाथ हुए 64 बच्चों की यहाँ पर सरकार मदद करने की घोषणा कर रही है। तो जो बच्चे
इस कोरोना काल में जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है उन बच्चों का अब सहारा सरकार बनेगी, उन बच्चों का पालन पोषण सरकार की तरफ से किया जाएगा। बाराबंकी में इस पूरे अभियान की, इस पूरी योजना की शुरुआत कर दी गई है। मुख्य विकास अधिकारी सौम्य पांडे के प्रयासों से कानपुर में गोवर्धन योजना के तहत संचालित गौ शक्ति कार्यक्रम के निदेशक पंचायती राज किंजल सिंह ने जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि कानपुर के मुख्य विकास अधिकारी ने हरियाणा और छत्तीसगढ़ के अलावा इस क्षेत्र में इस योजना को अच्छी तरह से संचालित करके दिखाया है, जो इनके परिश्रम और लगन को दिखाता है। तो कानपुर तस्वीरें जहां पर मुख्य विकास अधिकारी के कार्यों की प्रशंसा की गई है। दरअसल गौ शक्ति के संबंध में मानक बनकर योगरा है, जिसको लेकर ये पूरी तारीफ यहां पर की गई है। तो कानपुर का एक पूरा मामला जहां पर मुख्य विकास अधिकारी ने इस पूरे कार्य की तारीफ की है। साथ ही साथ ये कहा है कि जिस तरह से हरियाणा और छत्तीसगढ़ में इस पूरे कार्यक्रम को अच्छे से चलाया जा रहा है, वैसे भी अब कानपुर में भी इस तरह की चीजें हो रही है, जो की काबिले तारीफ है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ पर इंडिया के साथ।